ओम नमः शिवा। आइए सुनते हैं श्रावण मास महात्म्य का पहला अध्याय। सौनक जी बोले, हे सूत, हे महाभाग, हे व्यास शिष्य, हे अकलमस, आपके मुख कमल से अनेक आख्यानों को सुनते हुए हम लोगों की तृप्ति नहीं होती है। अभी तो बार बार सुनने की इच्छा बढ़ती जा रही है। तुला राशि में स्थित सूर्य में कार्तिक मास का महात्म्य, मकर राशि में माघ मास का महात्म्य और मेष राशि में स्थित सूर्य में वैशाख का महात्म्य और इसके साथ उन मासों के जो भी धर्म हैं उन्हें आपने भली भांति कह दिया। यदि आपके मत में इनसे भी अधिक महिमामय कोई मास हो तो, भगवत प्रिय कोई धर्म हो तो आप उसे अवश्य कहिए, जिसे सुनकर कुछ अन्य सुनने की हमारी इच्छा न हो। वक्ता को श्रद्धालु श्रोता के समक्ष कुछ भी छिपाना नहीं चाहिए। सूजी बोले, हे मुनियों, आप सभी लोग सुने, मैं आप लोगों के वाक्य गौरव से अत्यंत संतुष्ट हूँ। आप लोगों के समक्ष मेरे लिए कुछ भी गोपनीय नहीं है। दम रहित होना, आस्तिकता, सत्ता का परित्याग, उत्तम भक्ति, सुनने की इच्छा, विनम्रता, ब्राह्मणों की प्रति भक्ति, परायणता, सुशीलता, मन की स्थिरता, पवित्रता, तपस्विता और अनसुईया, इस श्रोता के 12 गुण बताए गए हैं। ये सभी आप लोगों में विद्यमान हैं। अतः मैं आप लोगों पर प्रसन्न होकर उस तत्व का वर्णन करता हूँ। एक समय प्रतिभाशाली सनत कुमार ने धर्म को जानने की इच्छा से परम भक्ति से युक्त होकर विनम्रता पूर्वक ईश्वर भगवान शिव से पूछा। सनत कुमार बोले, योगियों के द्वारा आराधनीय चरण कमल वाले हे देवीदेव, हे महाभाव, हमने आपसे अनेक व्रतों तथा बहुत प्रकार के धर्मों का श्रवण किया, फिर भी हम लोगों के मन में सुनने की अभिलाषा है। 12 मासों में जो मास सबसे श्रेष्ठ, आपकी अत्यंत प्रीति कराने वाला, सभी कर्मों की सिद्धि देने वाला हो और अन्य मास में किया गया कर्म यदि इस मास में किया जाए तो वह अत्यंत फल प्रदान करने वाला हो। हे देव, उस मास को बताने की कृपा कीजिए। साथ ही लोकानुग्रह की कामना से उस मास के सभी धर्मों का भी वर्णन कीजिए। ईश्वर बोले, हे सनत कुमार, मैं अत्यंत गोपनीय भी आपको बताऊंगा। हे सुब्रत, हे विधिनंदन, मैं आपकी श्रवण इच्छा तथा भक्ति से प्रसन्न हूँ। 12 मासों में श्रावण मास मुझे अत्यंत प्रिय है। इसका महात्म्य सुनने योग्य है, अतः इसे श्रावण कहा गया है। इस मास में श्रावण नक्षत्र युक्त पूर्णिमा होती है, इस कारण से भी इसे श्रावण कहा गया है। इसके महात्म्य के श्रवण मात्र से यह सिद्धि प्रदान करने वाला है, इसलिए भी
यह श्रावण संज्ञा वाला है। निर्मलता गुण के कारण यह आकाश के सदृश है, इसलिए नभा कहा गया है। इस श्रावण मास के धर्मों की गणना करने में इस पृथ्वी लोक में कौन समर्थ हो सकता है? जिसके फल का संपूर्ण रूप से वर्णन करने के लिए ब्रह्मा जी चार मुख वाले हुए, जिसके फल की महिमा को देखने के लिए इंद्र हजार नेत्रों से युक्त हुए, और जिसके फल को कहने के लिए शीशना 2000 जिह्वाओं से संपन्न हुए। अधिक कहने से क्या प्रायोजन? इसके महात्म्य को देखने और कहने में कोई भी सामर्थ्य नहीं है। हे मुनि, अन्य मास इसकी एक कला को भी नहीं प्राप्त होते हैं। यह सभी व्रतों तथा धर्मों से युक्त है। इस महीने में एक भी दिन ऐसा नहीं है जो व्रत से रहित दिखाई देता हो। इस माह में प्रायः सभी तिथियां व्रत युक्त हैं। इसके महात्म्य के संदर्भ में मैंने जो कहा है वह केवल प्रशंसा मात्र नहीं है। आज तो जिज्ञासियों, भक्तों, अर्थ की कामना करने वाले, मोक्ष की अभिलाषा रखने वाले और अपने अपने अभिष्ट की आकांक्षा रखने वाले चारों प्रकार के लोगों, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास आश्रम वाले को इस श्रावण मास में व्रतानुष्ठान करना चाहिए। सनत कुमार बोले, हे भगवान, हे सत्यम, आपने जो कहा कि इस मास में सभी दिन एवं तिथियां व्रत रहित नहीं है, तो आप उन्हें मुझे बताएं किस तिथि में और किस दिन में कौन सा व्रत होता है। उस व्रत का अधिकारी कौन है? उस व्रत का फल क्या है? किस किस से उस व्रत को किया? उसके उद्यापन की विधि क्या है? प्रधान पूजन कहाँ हो और जागरण करने की क्या विधि है? उसका देवता कौन है? उस देवता की पूजा कहाँ होनी चाहिए? पूजन सामग्री क्या क्या होनी चाहिए और किस व्रत का कौन सा समय होना चाहिए? हे प्रभु, वह सब आप मुझे बताएं। यह मास आपको प्रिय क्यों है? किस कारण यह पवित्र है? इस मास में भगवान का कौन सा अवतार हुआ? यह सभी मासों से श्रेष्ठ कैसे हुआ? और इस मास में कौन कौन धर्म अनुष्ठान के योग्य है? हे प्रभु, यह सब बताएं आपकी समझ। मुझ अज्ञानी का प्रश्न करने में कितना ज्ञान हो सकता है? अतः आप संपूर्ण रूप से बताएं। हे कृपालु, मेरे पूछने के अतिरिक्त भी जो जो शेष रह गया हो उसे भी लोगों के उद्धार के लिए कृपा करके बताएं। रविवार, सोमवार, भौमवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार और शनिवार के दिन जो करना चाहिए, हे विभो, वह सब मुझे बताएं। आप सबके आदमी आविर्भूत हुए हैं, अतः आपको आदि देव कहा गया है। जैसे एक की विधि बाधा से अन्य की विधि बाधा होती है, वैसे ही अन्य देवताओं के अल्प देवत्व के कारण आपको महादेव माना गया है। तीनों देवताओं के निवास स्थान पीपल वृक्ष में सबसे ऊपर आपकी स्थिति है। कल्याण रूप होने के कारण आप शिव हैं और पाप समूह को हरने के कारण
आप हर हैं। आपके आदि देव होने में आपका शुक्लवर प्रमाण है, क्योंकि प्रकृति में शुक्लवर ही प्रधान है, अन्यवर विकृत है। आप कर्पूर के समान गौरवर के हैं, अतः आप आदिदेव हैं। गणपति के अधिष्ठान रूप चार दल वाले मूलाधार नामक चक्र से, ब्रह्मा जी के अधिष्ठान रूप छह दल वाले स्वाधिष्ठान नामक चक्र से और विष्णु के अधिष्ठान रूप दस दल वाले मणिपुर नामक चक्र से भी ऊपर आपके अधिष्ठित होने के कारण आप ब्रह्मा तथा विष्णु के ऊपर स्थित हैं। यह आपकी प्रधानता को व्यक्त करता है। हे देव, एकमात्र आपकी ही पूजा से पंचायतन पूजा हो जाती है, जो कि दूसरे देवता की पूजा से किसी तरह भी संभव नहीं है। आप स्वयं शिव हैं। आप बाई जांग पर शक्ति स्वरूपा दुर्गा, दाहिनी जांग पर गणपति, आपके नेत्र में सूर्य तथा हृदय में भक्तराज भगवान श्री हरि विराजमान है। अन्न के ब्रह्मा रूप होने तथा रास के विष्णु रूप होने और आपके उसका भोक्ता होने के कारण हे ईशान, आपके श्रेष्ठ में किसी को संदेह नहीं हो सकता है। सबको विरक्ति की शिक्षा देने हेतु आप शमशान में तथा पर्वत पर निवास करते हैं। पुरुष सूक्त में उतामृत्यो शेषानो इस मंत्र के द्वारा प्रतिपादन के योग्य हैं। ऐसा महर्षियों ने कहा है। जगत का संहार करने वाले हालाहल को गले में किसने धारण किया? महाप्रलय की कालाग्नि को अपने मस्तक पर धारण करने में कौन समर्थ था? संसार रूप अंधकूप में पतन के हेतु कामदेव को किसने भस्म किया? आप ऐसे हैं कि आपकी महिमा का वर्णन करने में कौन समर्थ है? एक तुच्छ प्राणी मैं करोड़ों जन्मों में भी आपके प्रभाव का वर्णन नहीं कर सकता। अतः आप मेरे ऊपर कृपा करके मेरे प्रश्नों को बताएं।